सुपरस्टार अक्षय कुमार की सरफिरा मूवी को बॉक्स पर रिलीज हुए रिकॉर्ड तोड़ कमाई के साथ एवरेज कमाई के साथ 12 दिन कंप्लीट होने वाले। बात करेंगे सरफिरा डे 11 को कितनी कमाई की, डे 12 को कितना कलेक्शन करेगी। पहले दिन से लेकर 12 दिन तक सरफिरा हिंदी बेल्ट में कितनी कमाई की, इंडिया ग्रोस कलेक्शन में, ओवरसीज मार्केट में, वर्ल्ड बॉक्स पर कितनी कमाई की है, सरफिरा का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना फिल्म बॉक्स पर, डिजास्टर मूवी साबित हुई है या एक फ्लॉप मूवी साबित हुई है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बस आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहेगा। दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार की सेल्फी मूवी ने लाइफ टाइम इंडिया में 16 करोड़ की कमाई की थी। मिशन रजनीकांत ने 33 करोड़ की कमाई की थी, जबकि बेल बटन ने 30 करोड़ की कमाई की थी। राक्षी बंधन ने 44 करोड़ की कमाई की थी। जहां पे मेरे को नजर आ रहा है दोस्तों, कभी भी सरफिरा मूवी जो है मिशन रजनीकांत के 33 करोड़ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि सरफिरा का डे 11 का इतना कम कलेक्शन मेरे को देखने को मिला है, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ। और डे 12 की दोस्तों बात ही छोड़ दो, फिल्म बॉक्स पे कभी भी 15 दिन सुपर अच्छे प्रदर्शन नहीं चल पाएगी और फिल्म 2024 की एक बार फिर से बड़ी डिजास्टर मूवी बनने को जा रही है। बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की सरफिरा मूवी का बजट है 80 करोड़ का, जिसने पहले दिन हिंदी बेल्ट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पे 5 करोड़ 60 लाख रुपए की ओपनिंग ली थी। दूसरे दिन हिंदी बेल्ट में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पे 8 करोड़ की कमाई की थी। तीसरे दिन हिंदी बेल्ट में 6 करोड़ की कमाई करके बॉलीवुड बॉक्स पे 9 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की। और डे 4 को हिंदी बेल्ट में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई करके बॉलीवुड बॉक्स पे 3 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की। डे 5 को 2 करोड़ 5 लाख रुपए की कमाई करके 3 करोड़ 40 लाख रुपए की दुनिया भर के बॉक्स पे कमाई की। डे 6 को हिंदी बेल्ट में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई करके बॉलीवुड बॉक्स पे 3 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की। डे 7 को हिंदी बेल्ट में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई करके बॉलीवुड बॉक्स पे 2 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की। सरफिरा का पहला वीक 7 दिन का था। सरफिरा ने पहले 7 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 21 करोड़ की कमाई करके, इंडिया ग्रोस कलेक्शन में 28 करोड़ की कमाई करके, ओवरसीज मार्केट में 8 करोड़ का धंधा करके दुनिया भर के बॉक्स पे 37 करोड़ की कमाई कर ली थी। दोस्तों सरफिरा ने पहला वीक तो अच्छे प्रदर्शन का कमिट किया था, लेकिन दूसरे वीक यानी 8वें दिन इतना लंबा हमको ड्रॉप डाउन देखने को मिला। 8वें दिन दोस्तों सरफिरा ने हिंदी बेल्ट में केवल 50 लाख रुपए की कमाई करके बॉलीवुड बॉक्स पे केवल 1 करोड़ का धंधा किया, जहां पे फिल्म को सैटरडे संडे को शानदार जंप लेना था। फिल्म डे 9 को केवल 95 लाख रुपए की कमाई की और दुनिया भर के बॉक्स पे केवल 1 करोड़ 70 लाख रुपए का धंधा किया। वहीं पे फिल्म 200 डे 10 को यानी दूसरे संडे को 1 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की, इंडिया ग्रोस कलेक्शन में 1 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई करके, ओवरसीज मार्केट में केवल 20 लाख रुपए का धंधा करके सरफिरा डे 10 को दुनिया भर के बॉक्स पे 2 करोड़ की कमाई करने में सफल हो पाई थी। जहां पे सरफिरा को डे 10 को वर्ल्ड बॉक्स पे 4 करोड़ से 5 करोड़ का धंधा करना था, वहीं पर बहुत ही कम डिजास्टर हमको कलेक्शन देखने को मिला। लेकिन दोस्तों बात ही खत्म होगी जब डे 11 का कलेक्शन रिपोर्ट आया। सरफिरा डे 11 को हिंदी बेल्ट में केवल 30 लाख रुपए का धंधा करने में सफल हो पाई है, इंडिया ग्रोस कलेक्शन में 40 लाख रुपए की कमाई करके, ओवरसीज मार्केट में 5 लाख रुपए की कमाई करके सरफिरा डे 11 को दुनिया भर के बॉक्स पे केवल 45 लाख रुपए की डिजास्टर कमाई करने में सफल हो पाई है। दोस्तों सरफिरा डे 12 को हिंदी बेल्ट में 20 लाख रुपए की कमाई करेगी, इंडिया ग्रोस कलेक्शन में 27 लाख रुपए की कमाई करेगी, ओवरसीज मार्केट में 12 के देशों में 2 लाख रुपए की कमाई करके सरफिरा डे 12 को दुनिया भर के बॉक्स पे केवल जो है 30 लाख रुपए का धंधा करेगी। दोस्तों ये थी डे 11 की फाइनल रिपोर्ट और डे 12 की बॉक्स कलेक्शन रिपोर्ट जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस कर दी है। अब बात कर लेते हैं सरफिरा के टोटल कलेक्शन के बारे में। दोस्तों सरफिरा ने 12 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 27 करोड़ की कमाई की है, 12 दिनों के अंदर इंडिया ग्रोस कलेक्शन में 34 करोड़ की कमाई की है, 12 डेज के अंदर ओवरसीज मार्केट में 9 करोड़ की कमाई करके अक्षय कुमार की सरफिरा मूवी 12 दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पे केवल 42 करोड़ का धंधा करने में सफल हो पाई है। और बॉक्स की प्रोडक्शन के मुताबिक सरफिरा लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में केवल 28 करोड़ से लेकर 30 करोड़ की कमाई करेगी, सरफिरा लाइफ टाइम ओवरसीज मार्केट में केवल 9 करोड़ की कमाई करेगी और सरफिरा लाइफ टाइम दुनिया भर के बॉक्स पे 45 करोड़ से ऊपर कभी भी नहीं जाए, ज़्यादा हो सका तो 50 करोड़ की कमाई करेगी, लेकिन सरफिरा का जो लाइफ टाइम कलेक्शन होगा वो रहेगा पूरा 245 करोड़ का। और पूरे 35 करोड़ के फिल्म में लॉस, जो फिल्म में सरफिरा जो है 80 करोड़ के बजट अगर बनी है तो फिल्म पूरे 35 करोड़ के लॉस में जाके एक डिजास्टर मूवी साबित होगी। भाई अक्षय कुमार ऐसा क्या कमाल करें जो उनकी मूवीज बॉक्स पे चल जाएं। अक्षय कुमार का स्टार्डम खत्म हो चुका है, अक्षय कुमार का चैप्टर क्लोज हो चुका है। भाई सरफिरा बहुत अच्छी फिल्म थी, ये बहुत आउटस्टैंडिंग फिल्म थी, अक्षय कुमार की करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस आप लोग बोल सकते हो। पिछले कई सालों से कोई अच्छी फिल्म हमको अक्षय कुमार की देखने को नहीं मिली है, लेकिन अक्षय कुमार की अच्छी मूवीज भी बुरी मूवीज के सामने नहीं चल पा रही हैं। आप लोग यूँ बोल सकते हो अक्षय कुमार की बुरी मूवीज ने अच्छी मूवीज का भी बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। वेल दोस्तों आप लोग अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं।
इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी 100% रियल है। मैं आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी आपके लिए कुछ खास। तब तक गुड बाय, टेक केयर।